मुंबई ब्लास्ट का फैसला आ गया है। 1.5 घंटे तक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, 1000 पन्ने से ज्यादा का फैसला। हम बात कर रहे हैं शिवप्रकाश सिन्हा जी से, जो दोषियों के जिन्होंने बचाव पक्ष के वकील हैं। सिन्हा जी, फैसले को किस रूप में देखते हैं? फैसला मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। डेथ सेंटेंस जिन लोगों की थी उनमें से कोर्ट ने क्या तब्दीली की? सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ वेरी बैलेंस्ड व्यू। सुप्रीम कोर्ट हैज कंफर्म देयर सेंटेंस इन केस ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड। सो फॉर अदर अक्यूज्ड आर कंसर्न, देयर सेंटेंस हैज बीन कम्यूटेड टू लाइफ टर्म। और लाइफ सेंटेंस में से कितने लोगों का रिड्यूस किया है, कितने लोगों को? लाइफ में सिर्फ एक का रिड्यूस किया है, 10 साल, अशरफुर रहमान। जुवेनाइल के प्लीज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया है। और संजय दत्त के मामले में कोर्ट ने क्या? 6 साल की सजा है उनकी, घटाकर 5 साल कर दी गई है। प्रोबेशन के प्लीज नहीं एक्सेप्ट किया गया है। उसमें कुछ ग्राउंड ये है? नहीं, ये मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है। और पुलिस, कस्टम और पूरे प्रशासन को कोर्ट ने, और पाकिस्तान को भी इसमें? बिल्कुल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए, कस्टम के लिए, पाकिस्तान के रोल के लिए अपने जजमेंट में कमेंट किया। कुल मिलाकर फैसला इसे बैलेंस बता रहे हैं बचाव पक्ष के वकील, और उनका कहना है कि जो भी फैसला आया है उसको सिर आंखों पर रखेंगे, और बिल्कुल बैलेंस फैसला है। कैमरामैन संजय खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।